अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं हम फिश मार्केट से। मैं आया हूँ फिश मार्केट में, तो मेरे पीछे देखिएगा, ये फिश मार्केट है, ये दुबई की सबसे बड़ी फिश मार्केट है। यहाँ पर हर किस्म की आपको फिश मिलेगी। आज मैंने मास्क लगाया है क्योंकि यहाँ पर जिन साइड जो है वो मास्क की पाबंदी है। तो शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो और इस तरह की सुपरमार्केट में आपको मास्क लगाना पड़ता है। तो आज मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी फ़िश मिलती है। काफ़ी रश है, तो मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पर तरह तरह की आपको जो है वो मछली की इकसाम नज़र आएंगे। ये देखिए, ये कितनी अजीब सी मछली है, ये वाली। ये सांप के जैसी मछली है ये। ये देखिए, ये भी सारी फिश है मुख्तलिफ किस्म की। यहाँ पर दुबई में और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट में जो मछली है बहुत ज़्यादा खाई जाती है। यहाँ पे फिश लवर बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे बांग्लादेशी लोग हैं। दूर तक जितने भी स्टॉल हैं ये सब फिश के लगे हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए, इतनी बड़ी मार्केट है। ये देखिए पिलर्स पे इसके अल्फ़ाबेट के साथ इसकी नंबरिंग की गई है। और आइस के ऊपर इन्होंने ये फिश रखी हुई है। देखें, ये छोटी मछली है। अच्छा, ये देखें, ये फिश की एक मैंने नई किस्म देखी है, ये फमोड है इसका नाम। ये भाई बता रहे हैं कि ये लोकल फिश है यहाँ की। ये देखें, ये वाली। और ये देखें, ये क्रैब हैं। ये देखें इस तरह का, ये देखें, ये भी लोगों की खुराक का हिस्सा है। पता नहीं कौन लोग हैं जो ये भी पसंद करते होंगे। ये क्रैब है, ये देखिएगा। और ये आ गए हैं जी झींगे जो हैं। 35 धर्म पार के जी आई ये बोले, ये झींगे जो हैं। दिस वन इज सालमन। तो हाउ मच पर के जी? 55। इट्स अ नॉर्वेजियन। ओके, विच वन? साफी। साफी विच कंट्री? लोकल ब्रदर। लोकल डॉल्फिन के जैसे नहीं होते विंग्स, ये उस तरह की फिश है ये वाली जो है। ये चेक करें जरा, ये फिश कैसी है। और ये वाली देखिएगा, ये देखें, ये झींगे हैं। ये तो पूरा जो हॉल है ना, ये सब फिश मार्केट है। जिस भी जगह पे आप देखेंगे, आपको जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी देखेंगे, आपको सिर्फ यहाँ पर मछली, झींगे, क्रैब्स वो नज़र आएंगे। देखें यहाँ पे, ये फिश को इस तरह से इन्होंने कटिंग करके रखा हुआ है। एक है सालमन फिश, वो सबसे महंगी आई थिंक, वो 55 धर्म पर के जी है। और इस तरह से फिश के पीसीस कटिंग करके रखे हुए इन्होंने। ये देखिएगा, ये देखिए, और रश भी बहुत लगा हुआ है। कुछ लोग जो है ना, वो आपको मैं अगेन बता रहा हूँ कि उनकी खुराक का ये हिस्सा है, वो डेली बेसिस पर जो है फिश खाते हैं। कुछ लोग जो हैं राइस के ऊपर फिश खाना पसंद करते हैं राइस के साथ। ये देखिए, छोटी छोटी फिश हैं ये वाली। ऐसी वीडियो शायद आपने पहले नहीं देखी होगी किसी फ़िश मार्केट की, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। आपको बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और मज़ा आएगा आपको। और साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सकें।
साथ ही लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इसके साथ में आपने वीडियो को शेयर भी करना है। सो गाइस, मैं आपके लिए यहाँ पर आया हूँ आज फिश मार्केट में, एक यहाँ पे मैंने सोचा एक व्लॉग बनाया जाए आपके लिए। ये कौन सा फिश है? ये बड़ा प्रॉन्स है भैया, 1 किलो 45 है ये। 45 पर के जी? ये भी प्रॉन्स ही है ये। हाँ हाँ, छोटा जो प्रॉन्स है ये छोटा है, 40 है ये, 40 है आपके पास। सब प्रॉन्स है वो 110 है, ये वाला 110 है, ये 45 है। अच्छा, 1 किलो 45 है ये वाला जो क्रब्स है, 45 पर के जी। ब्लैक वाला 140 है ये वाला, ये लाल है ये वाला। अच्छा, ये भी लोग खाते हैं जी, ये देखें सोलोमन फिश भी है यहाँ पर। ये देखिए, ये भी कोई फिश है। बहुत सी इकसाम की हैं यहाँ पर, मैंने आपको बताया ना, ये पूरी मार्केट ही जो है वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की फिशेज हैं, और सफाई का जो निज़ाम है वो बहुत अच्छा है यहाँ पर। इन्होंने आइस के ऊपर जो है वो फिश को रखा। अब नेक्स्ट काउंटर पे जाके आपको मुख्तलिफ फिश दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो हमने आज तक बस फिल्मों में या टीवी में ही देखी है ये फिश, इस तरह की कितनी बड़ी फिश है ये देखिएगा। और इसको कटिंग करके भी रखा हुआ इन्होंने, ये इस टाइप, इस तरह से। भाई ये फिश का नाम क्या है? वो फिश का नाम बताइएगा क्या? ये मोदा है, मोदा सुचल। मोदा सुचल कहाँ का है ये? ये इन्होंने इसको कटिंग करके भी रखा हुआ है। ये भी मेरा ख्याल है वही है, क्रैब ही है, बड़े साइज में है। ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट किस्म के हैं क्रैब, ये सब लाइव हैं, जिंदा हैं ये देखिए ये सब। और इनका इन्हीं की इन्होंने वहाँ पर जो है ना आपको वो खाने के लिए भी मिल जाएंगे फॉर्म जो है। ये देखिए इसके अंदर भी हैं ये, तो आप तस्वीर लो ना। ये देखो ये भी कराया था, इस तरह के इन्होंने बड़े बड़े बॉक्सेस जो हैं वो केड़ियाँ बनाए हुए हैं यहाँ पर जो है वो छोटे हो केड़ियों में। ये देखें बहुत ही खूबसूरत ये फिशेज हैं, ये देखिए डिफरेंट कलर की। अल्लाह ताला ने देखें कितनी प्यारी ये जो है ये मुख्तलिफ कलर की ये बनाई है फिशेज, ये देखिए। ये अल्लाह की कुदरत है, देखें और ये देखें ऑरेंज कलर की फिश है। और ये बड़ी है कार्ड, इसका नाम है कार्ड, और ये 50 धड़म की एक फिश है, ये किसका नाम भी मेंशन है। और अंडा ये 30 धड़म की एक आपको मिलेगी एक फिश। फिश मार्केट में ना वो मास्क लगा लेना भी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी इसकी स्मेल जो है ना काफ़ी दूर तक आ रही है। ये देखिए ये अब डिफरेंट टाइप की ये फिशेज है, ऊपर जिसका भी स्टॉल होता है ना ओनर का वो उसका नाम लिखा होता है यहाँ पे फिश के स्टॉल के ऊपर। और ज़्यादातर जो यहाँ पे वर्कर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, उर्दू हिंदी स्पीकिंग है। ये देखिए ये भी फिश है बड़ी बड़ी, ये देखिए। इस काउंटर पे देखिएगा ये भी डिफरेंट टाइप की फिश है, फिशेज। तो इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। ये देखिए छोटी सी मछली ये वाली जो है, एक ये है डिफरेंट टाइप की मछली, ये देखिए। ये देखिए
ये फिश वो है जो इन्होंने उसको सुखाया हुआ है ड्राई फॉर्म में है और पैकिंग और ड्राई फिश है उसको पैकिंग की हुई है। ये देखिए मुख्तलिफ किस्म की है। ये भी सारी बाइट से ही आती होगी मेरा ख्याल है इम्पोर्ट होके। ये देखें इसमें बड़ी फिश भी है। ये देखिए ड्राई फिश, ये है ड्राई फिश। तो ज़्यादा जो इंडियन लोग हैं बांग्लादेशी हैं नेशनल्स वो ज़्यादा ये खाते हैं फिश। उनकी तो ये बिल्कुल खुराक का एक हिस्सा है, इसको ज़रूरी समझा जाता है कि उन्होंने रोज़ाना। ये देखिए ये प्रॉन्स हैं, ये ड्राई फिश ये छोटे। और इसको इन्होंने ना वो देखो वो भी लगाया हुआ है मसाला जो है नमक वगैरह मसाला लगाया हुआ है। ये देखिए ये क्या चीज़ है यार, ये क्या है, ये भी फिश नमक लिखा था भाई। ना फिश है ये भी। ये देखिए वाइट कलर की जैसे चीनी के दाने नहीं होते शुगर उस तरह के, इन्होंने इसको छोटे फॉर्म में इसको पैक किया हुआ समक। और ये सारी ड्राई फिश है, ये देखें इस तरफ इनके काउंटर लगे हुए। लो जी अब स्टार्ट करते हैं आपको असली, ये व्लॉग असली फिश दिखाते हैं आपको। ये देखें पानी के अंदर, ये देखें बड़ी खूबसूरत फिशीज हैं ब्लू कलर की। ये छोटे छोटे जो है ना इन्होंने ओकेड़ियाँ बनाया हुआ है और 10 दरम की एक फिश है छोटी। इसी तरह ये वाले ओकेड़ियाँ में देखें ये क्रैब है, वहाँ पर क्रैब जो है ये देखिए ये भी लोग खाते हैं। ये देखिए ये 195 पर केजी है। ये देखिए ये वाले जो है ये भी क्रैब हैं बड़े बड़े। और यार ये देखो ज़रा ये बिल्कुल मैं आपको जो असल वाले हैं ना जो लाइव वो दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ये भी कोई क्रैब ही है जी भाई, ये चेक करो ज़रा यार क्या बड़ा सा इधर इसका देखो। ये देखिएगा ये फिशीज हैं सारी, ये फिश ओकेड़ियाँ में ये जितने भी हैं ये देखें छोटी बड़ी यहाँ पर मछलियाँ आपको बहुत ही खूबसूरत ये फिश हैं। ये देखिए ये ओकेड़ियाँ अगर आपने रखा हुआ है तो उसके लिए बड़ी सूटेबल है। देखें बहुत खूबसूरत है गोल्डन फिश हैं, ये देखें कलरफुल है यहाँ पर फिशें। जी तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़िश मार्केट कैसी लगी है और अगर आप दुबई आए हैं तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये बर दुबई के पास ही है। और कमेंट करके आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ये देखिए ये भी फिशेज हैं, ये पता नहीं क्या है इसकी मुझे समझ नहीं लगी अभी। अब मैं व्लॉग को जो है यहाँ पर एंड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके टेक केयर।